लॉकडाउन 4 में उत्तर प्रदेश में क्या खुलेगा क्या नहीं, जानिए पूरी सरकारी लिस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय परिक्षेत्रीय और जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा है कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी तरह की सामान्य विमान यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल कॉलेज, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, थिएटर, असेंबली हॉल, सभी पूजा स्थल आदि पहले की तरह ही बंद रहेंगे। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन और राज्यों की तरफ से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के प्रदेश के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नोएडा, गाजियाबाद के NCR क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, जिसके विस्तृत आदेश संबंधित जिला प्रशासन जारी करेगा। इन चीजों पर मिलेगी छूट। कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति। बाजार रोटेशन से खुलेंगे, एक दिन आधी दुकानें और बाकी अगले दिन। दुकानदारों को मास्क लगाना होगा। सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेगी। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दूरी के साथ साप्ताहिक मंडी लगाने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी होगी। मिठाई की दुकान खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर मिठाई नहीं खा सकते, सिर्फ खरीद सकते हैं। बारात घर खुलेंगे, शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। शादी में 20 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पटरी पर दुकानें लगेंगी, फेरी वाले काम कर सकेंगे। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी और जरूरी ऑपरेशन कर सकेंगे। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा 2 बच्चों को भी बैठाने की छूट होगी। बाइक पर 1 ही पुरुष बैठ सकेगा, लेकिन साथ में महिला हो तो बैठ सकती है। 3 पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर खुलेंगे। राज्य के अंदर और बाहर मेडिकल प्रोफेशनल्स और एम्बुलेंस को आने जाने की इजाजत होगी। माल लेकर गाड़ी प्रदेश के बाहर जा सकेगी, यूपी से अभी दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन पर रोक रहेगी।